सोमवार की देर शाम सदर थाना क्षेत्र के भेलवा गांव स्थित चौराहा के निकट बाइक सवार जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत काम बाजार निवासी मनोज यादव के पुत्र मंजेश कुमार एवं उमाकांत यादव के पुत्र बलराम कुमार के ऊपर मोबाइल लूटकांड के दौरान गोली चलाई गई थी, जिसमें बलराम कुमार को सीने में गोली लगी थी। उक्त घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर उक्त घटना में शामिल तीनों अपराधियों को जहां धर दबोचा गया, वहीं उनसे लूटी गई मोबाइल लूट के दौरान उपयोग किए गए बाइक और एक देसी कट्टा के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। मंगलवार को हेडक्वार्टर DSP एजाज हाशिम मनी एवं सदर DSP संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि सोमवार की देर शाम बाइक सवार युवक को अपराधियों द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। मोबाइल लूट के दौरान घटना कारित हुई थी, जिसमें बलराम कुमार को गोली लगी थी। वे अभी इलाजरत हैं। उनके फर्द बयान पर सदर थाना कांड संख्या 32-23 दर्ज की गई है, जिसमें धारा 394 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद सदर DSP संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें सदर अध्यक्ष सुधाकर कुमार के अलावा उक्त मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रहमान अंसारी एवं सहायक अवर निरीक्षक धन बिहारी मिश्रा के साथ तकनीकी एवं सूचना की टीम को शामिल किया गया था, जिसके बाद तकनीकी एवं सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर घटना में शामिल तीनों अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की गई है। बलराम कुमार और एक मंजेश कुमार दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ये घटना 16 जनवरी 2023 की है, करीब 7:30 बजे शाम में जा रहे थे। उनके साथ एक छिनतई की घटना का प्रयास किया गया, छिनतई किया गया इनका, और छिनतई के क्रम में जब इन्होंने थोड़ा प्रतिरोध किया तो गोली चलाई गई, जिससे बलराम कुमार जो है घायल हो गए। इसकी सूचना जो है मंजेश कुमार जी उनके साथ थे, उनके द्वारा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस त्वरित गति में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी और उसी समय हमारे SDPO साहब संतोष कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें हमारे SHO सुधाकर जी थे और रहमान अंसारी जो इस कांड के IO भी हैं वो लोग थे और टेक्निकल सेल के कर्मी थे। इन लोगों ने पूरा रात खोजबीन कर मेहनत करते हुए जो तीन अपराधकर्मी थे तीनों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास जो मोबाइल छीना गया था वो भी मिल गया, और गिरफ्तारी क्रम में इनके पास एक, जैसा आप देख सकते हैं, एक पिस्टल या कट्टा कह सकते हैं, ये मिला है एक कारतूस के साथ।